वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास नाइन्थ का मैथ का वर्कशीट नंबर फाइव करने वाले हैं, ठीक है। वर्कशीट नंबर फाइव में हमें बताया गया कि अगर जब हम दो परिमेय संख्या को गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो परिमेय संख्या ही आएगा। दो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो अपरिमेय, इसी तरह से हमें करना है, ठीक है। तो आज की ज़्यादा समय लेते हैं, हम सीधा वर्कशीट का क्वेश्चन कराते हैं। अब जो ज़्यादा चैप्टर डिटेल में पढ़ना है आपको, उसके लिए हम ऑलरेडी जो है करा रखे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। पहले बोल रहा था कि क्या दो परिमेय संख्याओं का गुना करने पर अपरिमेय संख्या मिल सकती है। तो दो परिमेय संख्या को गुना करेंगे तो हमेशा परिमेय संख्या ही मिलेगा, तो ये लिख देना नहीं। इसका आंसर क्या आ जाएगा पहले का, नहीं, क्योंकि दो परिमेय संख्या को गुना करेंगे तो हमेशा अपरिमेय ही मिलेगा, अपरिमेय नहीं मिलेगा। ये बोला क्या दो अपरिमेय संख्या को गुना करने पर परिमेय संख्या मिल सकता है, दो अपरिमेय संख्या उसे गुना करके परिमेय संख्या मिल सकता है, तो हाँ। तो दूसरे का आंसर में क्या लिख देना, हाँ, क्या लिखोगे, हाँ, ठीक है, आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपको हम डिटेल में सोल्व कराएंगे बोर्ड पे करके, ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर वन में करना है रूट टेन मल्टीप्लाई बाय रूट फाइव, रूट टेन को रूट फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो हम लोग पहले देखो इसको लिखेंगे, इस तरह से लिख सकते क्या, रूट टेन मल्टीप्लाई में रूट फाइव, ठीक है, रूट टेन मल्टीप्लाई में रूट फाइव। अब सबका हम फैक्टर अलग अलग निकाल लेंगे, तो रूट टेन का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, फाइव इंटू में टू, और फाइव को तो फाइव फैक्टर निकालने आता है ना, इस तरह से हम ना एलसीएम निकाल लेंगे। रूट टेन का क्या होगा एलसीएम, तो रूट टेन का एलसीएम देखो टू से कट रहा था, ये फाइव पे, फिर फाइव बन जा फाइव, ठीक है, इस तरह से आ गया। तो हम टेन को क्या लिख देंगे, फाइव इंटू टू और इंटू में फाइव। अब देखो यहाँ से रूट सोल्व करने के लिए आप लोग एट क्लास में सीखे होंगे, ठीक है, कि फाइव जो दो नंबर कॉमन मिल जाता है उसको एक बाहर लिख देंगे, और जो नहीं मिलेगा उसे रूट में लिख जाएगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा, फाइव रूट टू, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब हमें इसी तरह से फिर करना था रूट थ्री को सिक्स से मल्टीप्लाई, तो हम पहले से क्या लिखेंगे, रूट थ्री मल्टीप्लाई बाई रूट सिक्स, क्या लिखेंगे, रूट थ्री मल्टीप्लाई बाई रूट सिक्स, और सिक्स का एलसीएम लेंगे तो इसे हम क्या लिखेंगे, सिक्स का एलसीएम आप लोग इस तरह से देखो, पहले ले लेना टू से जाएगा कितने पे, थ्री पे, भी थ्री से जा रहा है वन पे, यानी कि सिक्स को आप लोग क्या लिख सकते हैं, टू इंटू में थ्री, यहाँ से एक थ्री का पेयर बन गया, एक थ्री का पेयर बन गया, तो ये थ्री को हम एक बाहर लिखेंगे, बाकी टू रूट में जाएगा, तो थ्री रूट टू जो है वो आंसर होगा। यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना था रूट सिक्स को एक बार रूट थ्री से, फिर रूट सिक्स को एक बार रूट टू से, तो रूट सिक्स को रूट थ्री से करेंगे तो सिक्स थ्री जा एक बार देखो इसको इससे हम कर रहे हैं, फिर एक बार इसको इससे कर रहे हैं, तो रूट सिक्स को रूट थ्री से करोगे तो आप लोग क्या आएगा, रूट एटीन प्लस रूट सिक्स को रूट टू से करोगे तो क्या आएगा, रूट ट्वेल्व, ठीक है। आप चाहो तो थोड़ा और इस तरह से लिख सकते हो, रूट एटीन को क्या लिखोगे तो आप लोग एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो पहले देखो जाएगा टू से नाइन पे, फिर जाएगा थ्री थ्री पे, फिर जाएगा थ्री थ्री, यानी कि एक पेयर बन गया, तो थ्री रूट टू क्या होगा, थ्री रूट टू प्लस रूट ट्वेल्व को हम लोग क्या लिखेंगे, इसी तरह से ट्वेल्व का एलसीएम लेना, तो क्या आएगा, टू से जाएगा टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू थ्री जा सिक्स, ठीक है, तो टू रूट थ्री क्या जाएगा, टू रूट थ्री, ठीक है, थ्री आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड देखो करना है, तो हम डिवाइड कैसे करेंगे, रूट फिफ्टीन को फाइव से तीसरा लिख देंगे, फिफ्टीन अपॉन में फाइव, ये कट गया कितने पे, थ्री पे, यानी कि आंसर क्या आ गया, रूट थ्री, आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, रूट थ्री। उसके बाद था रूट सेवन प्लस रूट ट्वेंटी वन, देखो अभी तो प्लस नहीं हो रहा है, अभी हम बताए थे कि रूट सेवन को तो लिखेंगे रूट सेवन ही, लेकिन ट्वेंटी वन को हम लोग क्या लिख सकते थे, ट्वेंटी वन का पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, थ्री से टेबल में जा रहा था, थ्री के टेबल में जाएगा सेवन पे, ये भी सोल्व नहीं होगा, तो इसे हम रूट सेवन प्लस रूट ट्वेंटी वन को वैसे ही रहने देंगे, रूट सेवन प्लस ट्वेंटी वन, ओके स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे था रूट एटीन को करना था डिवाइड सिक्स प्लस रूट थ्री से, सॉरी सिक्स रूट थ्री से, तो हम डिवाइड हम लोग कर लेंगे, एटीन अपॉन सिक्स, और जो रूट में नंबर था उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, रूट थ्री अपॉन थ्री, थ्री से थ्री कट गया, रूट तो कैंसिल हो गया, सिक्स थ्री जा एटीन, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, थ्री आ जाएगा,
ओके, और यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है, नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, डेसिमल में है और इसे हमें नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है। तो किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग जैसे बचपन में मल्टीप्लाई करते हो उसी तरह से करोगे, ठीक है। 15 को पहले 85 जो 40, 0 बच गया कैरी 4, 75 जो 35, 39 बच गया 3, 52 जो 10, 30। दोबारा से समझना, 58 जो 40, 57 जो 35, 39, उसके बाद 52 जो 10, 30, फिर 81 जो 8, 72, ठीक है। यहाँ से आ गया 0, 9, 8, 17, 7, 3, 10 और 1, 11, 2 और 1, 3 और एक कैरी था 4, और डेसिमल एक के बाद था, एक के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी कि क्या जाएगा 4, 1, 7। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। डिवाइड भी हमें बिल्कुल इसी तरह से करना, 1.06 को डिवाइड कर देंगे 2 से। देखो पहले ये छोटा था, 0 से जाएगा, 2, 5 जो 10, क्या जाएगा 0.58। अगर जो डिवाइड नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग इस तरह से समझ लेना कि देखो हम लोग 2 को डिवाइड करेंगे किससे, 1.06 से। पहले तो ये छोटा है, 0 से लगाएंगे, फिर डेसिमल आ गया, अब यहाँ पे 2, 5 जो 10, ठीक है, 2, 5 जो 10 ये कट गया, फिर 6 उतारेंगे तो 2, 3 जो 6, सॉरी देखो 2, 3 जो 6 कटेगा पूरा पूरा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 6 क्या आएगा, 2, 3 जो 6, 3 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है बच्चों क्या जाएगा, 0.53। तो आई होप कि देखो आपकी जो ये पूरी थी आज का जो आंसर्स करना था समझ में आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।